भारतीय जनता पार्टी नेता विधायक परिणय फुके ने अनिल देशमुख को दोबारा जेल भेजने की मांग की है। इस मांग पर जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने जवाब दिया है। सलील देशमुख ने परिणय फुके को जवाब देते हुए कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक परिणय फुके ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्हें फिर से जेल भेजने की मांग की है। परिणय फुके के दावे पर अनिल देशमुख के बेटे और जिला परिषद सदस्य सलील देशमुख ने जवाब दिया है। दरअसल अनिल देशमुख मेडिकल बेल पर है, उसे जमानत को रद्द कर देना चाहिए और उन्हें वापस जेल में डाल देना चाहिए, ऐसी मांग परिणय फुके ने की है। इस पर सलील देशमुख ने जवाब दिया है, जहां उन्होंने कहा, अदालत ने अनिल देशमुख को मेडिकल आधार पर नहीं बल्कि इस मामले में विश्वसनीयता की कमी के आधार पर जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए 3 अहम टिप्पणियां की। पहला अवलोकन यह है कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। एक और अवलोकन यह बताया है कि अनिल देशमुख पर एक कथित आरोप सुनी सुनाई बातों के आधार पर लगाए गए हैं। तीसरी टिप्पणी में कहा गया कि भविष्य में अनिल देशमुख इस मामले में दोषी नहीं होंगे। साथ ही अदालत द्वारा किया गया फैसला सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, ऐसा इस वक्त अनिल देशमुख ने कहा। गए कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये बोल रहे थे कि अनिल देशमुख ये हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर आए, वो प्रचार कैसे कर रहे हैं, वो बाहर कैसे घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, अंग्रेजी में है, नेट पे भी उपलब्ध है, इसमें क्लियर कट यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि द कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड द एंटाइटलमेंट ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ फॉर बेल ऑन मेरिट्स, ये उनके लिए उपलब्ध है। आप हमें न बताएं कि हमको प्रचार करना ही है कि न करना है या न करना है, हम इस यहाँ पे इस तरीके का अच्छा काम करने के लिए आए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ मनीष टेंगरी की रिपोर्ट।